एक बड़ा तारीख का और तारीख अंबिया का वाकया है हजरत ईसा का, कि मिलता है कि हजरत ईसा का एक सहाबी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सहाबी को कहा कि हमें भूख लगी है, जरा रोटी लेकर आ। कहा कि आपके जेब में कितने पैसे हैं? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, 2 दिरहम है मेरे जेब में। उन्होंने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाला, कि ये 3 है, तीनों को ले जाओ और जाकर रोटी लेकर आ। गया बाजार में रोटी लेने, और जब नानवा से पूछा कि रोटी कितने की है, उसने कहा कि रोटी 1 दिरहम की 1 है। उसने 3 दिरहम दिए और 3 रोटियां ली। लेने के बाद जब पलटने लगा तो रास्ते में इसके जहन में ख्याल आया कि अरे 2 दिरहम तो तेरे थे, 1 था हजरत ईसा का, तो लिहाजा तेरी रोटियां कितनी बनी? 2 बनी ना, और 1 रोटी हजरत ईसा की। क्यों? मौलवी फरमाते कंजूस कभी अली वाला नहीं होता। हाँ, मैं हमेशा कहता हूं कंजूस न खुदा को अच्छा लगता है न बीवी को अच्छा लगता है। कंजूस मर्द, पर मैं मर्द की सिफत है कि मर्द सखी हो, औरत कंजूस हो तो फिर भी खैर है, क्योंकि मर्द की बचत हो जाती है। लेकिन अली वाले को सखी होना चाहिए, अगर इन सिफात में मुबतला हो तो मारिफत नहीं है। तो शैतान ने इसके जहन में ख्याल डाला, ये तो बैठा ही रहता है बंदों के जहनों में ख्याल डालने के लिए। इसने कहा देखो एक काम करो कि 3 रोटियां हैं, 2 तुम्हारी 1 ईसा की, एक काम करो, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 रोटी चलते चलते खा जाओ और वहां पहुंचोगे बचेंगी 2, तो फिर वहां भी 1 तू खा जाना, 1 हजरत ईसा खाएंगे, मसला ही हल हो गया। इसने चलते चलते 1 रोटी खा ली। वही कह रहा हूं ना, मोहम्मद की मोहब्बत थी या गनीमत की मोहब्बत थी? तुम्हारे दिलों का किबला कौन है? जब तू दिल का किबला हुसैन को बनाएगा, जब दिल का किबला खुदा को बनाएगा, किबले की नमाज में क्यों का किबले की तरफ देखो? यानी तुम्हारी ख्वाहिशों हर चीज का मरकज कौन होना चाहिए? परवरदिगार आलम होना चाहिए। जब किबला और जिहत मुशख्खस हो जाए, या वजीहन इंद अल्लाह, क्या मतलब है? वो चेहरा जो खुदा के नजदीक अजीज है, इज्जतदार है। ऐ खुदा हमें भी ऐसा बना कि हम तेरी दरगाह में इज्जतदार बन जाए। इनके चेहरों से हमारे चेहरों को इज्जत मिलती है, इनके वजूद से हमें दरगाह इलाही में इज्जत मिलती है, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी का किबला खुदा को बनाया ना। इसमें शिर्क की कोई बात नहीं है कि मसलन एक बंदा गुजर रहा है मस्जिद खदीजतुल कुबरा को, दूर से देखे एक मजदूर गुजरा, उसने कहा इस मस्जिद को मैंने बनाया। अब जाहिर मजदूर है, उसने ईटे शीटे लगाई होंगी, सही भी कह रहा है मैंने बनाया। फिर उस इंजीनियर को, उसने कहा मैंने बनाया है, उसने यकीनन डिजाइन किया होगा, उसने ही बनाया है। फिर एक डोनर गुजरा, उसने कहा मैंने बनाया है। सब सही कह रहे हैं क्योंकि सबका उसमें हिस्सा है, इसमें कोई शिर्क की निगाह नहीं है। तो अगर हर किसी का किबला अगर तुझे खुदा की तरफ ले जा रहा है, अगर मैं हुसैन के पीछे जा रहा हूं और ये रास्ता जन्नत तक ही जा रहा है, तो इसमें कोई शिर्क की गुंजाइश नहीं है। इसका किबला दुरुस्त नहीं था, था अल्लाह के नबी के साथ, लेकिन इसके दिल का किबला माल दुनिया की तरफ था। 1 रोटी खा ली, जब हजरत ईसा के पास पहुंचा तो अल्लाह के नबी ने कहा कितनी रोटियां मिली? इसने कहा अल्लाह के नबी 2 रोटियां मिली। कब बैठो खाते हैं, सुफरा बिछाया और इन्होंने रोटियां खाई। खाने के बाद सफर पर निकले और एक दरिया पर पहुंचे, न कश्ती थी न वसीला कि जिसके जरिए से दरिया को पार करते, तो ये डर के रुक गया हजरत ईसाने का, डरे क्यों हो, मेरे पीछे पीछे आओ। तो अल्लाह के नबी ने पानी पे चलना शुरू किया। इसने कहा अल्लाह के नबी डर लग रहा है, कहा मेरे कदमों पे कदम रखता है, ये पानी तुझे नहीं डुबोएगा। तो आए मुआशरे की दलदल और परेशानियों में परेशान इंसान, अगर बचना चाहते हो तो अली के कदमों को फॉलो करो, तो ये मुआशरे की दलदल कभी भी तुझे डुबोएगी नहीं। अगर सलमान बनना चाहते हो तो पैरवी करो कुदूम अली की, था गुनहगार लेकिन जब कदमों को पैरवी करता गया तो इस दरिया ने इसे डुबोया नहीं। जब दरिया को क्रॉस कर लिया तो एक मरतबा ताज्जुब के आलम में अपने पांवों को देखा और हजरत ईसा के तलवों को देखा और कहने लगा अल्लाह के नबी ये तो बड़ा अजीब मौजूदा है। का क्यों? का पानी पर भी चले और जिस पानी पर चले हैं उस पानी ने हमारे पांवों को भी गीला नहीं किया, पांव भी खुश्क हैं। ईसा मुस्कुराए, का क्या समझ रहे हो अभी? का बस आपकी मारिफत बढ़ गई है, मेरे दिल में आपकी मारिफत के चश्मे उबल रहे हैं, मुझे नहीं पता था आप इतने बड़े नबी हैं।
जो पानी को भी मूसा की तरह जमीन बना दे और पानी पर चले। ईसा ने फिर पूछा कि मारिफत आ गई है का आ गई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिलू सालिहात, ईमान आया है तो अमल भी नजर आना चाहिए, खाली ईमान किसी काम का नहीं है। मारिफत बढ़ चुकी है कहा अल्लाह के नबी मारिफत बढ़ चुकी है, कजरा ये तो बता रोटियां कितनी थी। हाँ, अल्लाह के नबी बता चुका रोटियां तो दो थी, क्यों पूछ रहे हैं? का तुमने जो कहा मारिफत बढ़ चुकी है। हाँ, बंदा मजलिस में आए काली की मारिफत बढ़ चुकी है, भाई कितने खुम्स देते हो? अगर मारिफत मेरे वजूद में अमल नहीं ला रही, किसी फायदे का नहीं है, ये सिर्फ वक्ती घंटों का सुकून है जो लेने आता हूं फिर चला जाता हूं। ये बिल्कुल ऐसे है कि दुनिया कहे कि आओ जमा हो जाओ एक घंटे के लिए, ऐसा काम करते हैं कि परेशानियां भूल जाएं, आओ एक घंटे के लिए एक ऐसा काम करते हैं कि परेशानियां भूल जाएं। आपको कोई कैसिनो में ले जाता है, कोई गप्पे मारता है, कोई गेम्स खेलता है, घंटे के लिए परेशानियां दूर हो जाती हैं, एक घंटे के बाद क्या करोगे? फिर तो तुझे उन्हीं परेशानियों में जाना है, फिर तो तुझे उसी दलदल में जाना है। ये फिक्र अहले बैत की थी, वो मारिफत जो अमल पैदा न करे वो वजूद में सुकून भी पैदा नहीं करती। कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न उनके वजूद में डर था, न खौफ था, न हुज़्न था, न परेशानी थी, क्योंकि उन्होंने अपने वजूद का किबला अल्लाह को बनाया था। जब हर चीज अल्लाह की तरफ से हो और अल्लाह के लिए हुस्न ज़न हो कि वो जो करता है वो बंदे के लिए बेहतर करता है, जब अहले बैत के लिए हुस्न ज़न हो ये जो करते हैं वो बेहतर करते हैं, तभी ज़ैनब का जुमला समझ आता है, मार आए तो इल्ला जमील, अगर ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से आए तो ज़ैनब के लिए हसीन आए। जो कुछ वो देता है वो हुस्न देता है, क्योंकि जो वो देख रहा है उसकी हिकमत को वो खुद ही समझता है। एक चीज मुझे आज बुरी लगती है लेकिन 10 साल के बाद मेरे लिए बेहतर साबित हो जाती है, क्योंकि मैं आज को देख रहा हूं खुदा कल को देख रहा है। तो ईसा ने कहा बता रोटियां कितनी थी, अल्लाह के नबी दो। क्या कोई बात नहीं, आगे बढ़े। एक जंगल में पहुंचे और इसे भूख लगी, शाम का वक्त आ गया, अल्लाह के नबी मुझे भूख लगी है। हजरत ईसा ने एक हिरन दौड़ता हुआ जा रहा था, उसे इशारा किया, भागा भागा आया और नबी के कदमों में सर को झुका लिया। हैवान है पर इंसान से ज्यादा मारिफत है, हैवान है लेकिन कमाल शनास हैवान है। हजरत ईसा ने सर को काटा, ज़बह किया, गोश को भूना और दोनों ने मिलकर खाया। खाने के बाद ईसा ने हड्डियों को जमा किया, जमा करने के बाद हिरन की खाल के अंदर डाल दिया और कहा कौन बेज़निल्ला, खड़ा हो जा अल्लाह के इज़्ज़त से। इतना कहना था, मरा हुआ हिरन उसकी हड्डियों पे गोश चढ़ना शुरू हो गया। ये देखकर परेशान हो गया, अल्लाह के नबी जो मैंने खाया था वो क्या था, ये जो हड्डियों पर गोश चढ़ा है ये क्या है? अल्लाह के नबी आप तो बड़े मौजज़ागर नबी हैं, पानी पर भी चले और मुर्दों को जिंदगी भी दें। अरे मेरी मारिफत में मारिफत दर मारिफत इजाफा हो गया, अब मारिफत 100 टाइम मेरे दिल में बढ़ गई आपकी। हजरत ईसा ने कहा ये तो बता रोटियां कितनी थीं। मारिफत बढ़ रही है तो बंदे खुदा बता अमल कितना बढ़ा। अल्लाह के नबी क्यों बार बार पूछ रहे, बता तो चुका रोटियां दो थी। हाँ, बार बार यही सवाल कर रहे रोटियां कितनी थी का, नहीं नहीं तुम बार बार कह रहे हो ना कि मारिफत बढ़ी है। हाँ, कहां या अली कहना और कहां अली के साथ रहना बंदे खुदा। अली अली करना कौन सा मुश्किल है, अभी चाहो तो जबान से या अली कहो, लेकिन उस वजूद को अली के रास्ते पे चलाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, इस वजूद के किबले को अली की विलायत बनाना बड़ा मुश्किल होता है। क्या बता रोटियां कितनी थी, अल्लाह के नबी रोटियां दो थी, क्यों बार बार पूछ रहे हैं, शक कर रहे हैं मुझ पे? शक क्यों करें, उनको तो यकीन था। कह चलो कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़े। बढ़ने के बाद एक पहाड़ी आई और पहाड़ी पे चढ़ने लगे, बिल्कुल ऊपर तक गए और एक जगह पे जाकर बैठ गए। बैठने के बाद एक मरतबा अल्लाह के नबी ने कहा जरा यहां पर आराम करो, फिर सफर को आगे बढ़ाएंगे। इतने में इसकी निगाह 3 मोटी ईंटों पर पड़ी, तीनों ईंटें सोने की थी। इसने कहा अल्लाह के नबी फिर एक मौजजा हो गया। का क्या हुआ, कहा पानी पर चले, आपने मुर्दे को जिंदा किया, अब तो आपके सदके में अल्लाह ने इतना सोना दिया है, तीनों ईंटें सोने की, अब तो बस मैं करोड़पति बन गया ना, अब तो मैं अमीर बन गया। अल्लाह के नबी सोने की ईंटें हैं। ईसा ने कहा दिखाओ। उसने कहा अल्लाह के नबी ये ईंटें पड़ी हुई हैं, आपके सदके में अल्लाह ने ईंटें अता की हैं।
ईसा ने कहा जरा थोड़ी देर ठहर जा, ईंटे कितनी है? का तीन। का रोटियां कितनी थी? का रोटियां थी दो। का एक रोटी तेरी थी, एक रोटी मेरी थी, तो एक ईंट तेरी, एक ईंट मेरी। अब तीसरी जिसने खाई है वो खुद अकेले कर जाएगा। ये सुनना था, जो मोहब्बत दिल में थी उसने इसे सच बुलवाना शुरू किया। अगर ईसा की मोहब्बत सच बुलवाती तो जन्नती बनता। सोने की मोहब्बत ने इसे सच बुलवाना शुरू किया। अल्लाह के नबी रोटियां तीन थी, तीन थी कहां, एक रोटी मैंने रास्ते में खा ली थी, आपने एक दिरहम दिया था, मेरे दो थे, तो दो रोटियां मेरी बनी, एक रोटी आपकी बनी, दो ईंटे मेरी हैं, एक ईंट आपकी है। इतना कहना था नबी खुदा के चेहरे पे जलाल आया, कहा मेरी वाली ईंट भी ले ले, लेकिन आज के बाद मेरी दरबार से बाहर निकल के चला जा, क्योंकि जो माल परस्त है वो नबी का सहाबी नहीं बन सकता। जो सोने की खातिर तो सच बोले लेकिन अल्लाह के नबी की खातिर सच न बोले, उसे हमारी दरबार में जगह नहीं आए। तो इंसान ये सोचा करो कि तुम्हारे दिलों का किबला क्या है। दो महीना याम अज़ा कल आखिरी दिन है, खत्म हो जाएंगे। इन दो महीनों में मैंने हुसैन का जिक्र सुना, दो महीने, इतनी एजुकेशन और इतना लिटरेचर और इतना मवाद आपने शायद किसी कौम लेती हो दो महीनों में, जो शिया कौम रहती है मौला हुसैन के सदक़े में। तो मैंने इन दो महीनों में सीखा क्या, क्या इन दो महीनों में मेरी जिंदगी का किबला बदला, मेरा एंगल बदला, मेरी हरकतें बदली, मेरे घर का सिस्टम बदला, मेरा अदब, मेरा अखलाक, मेरी बीवी के साथ झगड़े, मेरे बेटे के साथ इख्तलाफात, कुछ बना के नहीं बना। अगर मैं दो महीनों में खुद को नहीं बदल सकता तो मैं खुद को यह नहीं कह सकता कि मैं हुसैनी हूं, क्योंकि हुसैन ने चंद दिन में हुर को बदल दिया था।